अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और मैं सहरी वो सीखी हूँ और मैं इतनी देर से कुरान पढ़ रही थी। मैं जल्दी उठ गई थी, आज 1 बजे ही उठ गई थी और मैंने इतनी देर में 3 सिपारे ख़त्म कर दिए और माशाल्लाह से मेरा 14 कुरान भी कम्प्लीट होने वाला है। अब 8 पारे रह गए उसके और हो जाएगा कल तक, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और सुनाए आप सब लोग कैसे हैं? आज 21वां रोज़ा है और आप सबको 21वां रोज़ा सहरी मुबारक हो। और बाकी आप सब भी उठ गए होंगे सहरी के लिए और अभी तो हमारे घर सो रहे हैं सब। अभी लोगों को उठाऊँगी मैं, अभी तो टाइम है तो इसलिए भी थोड़ी देर में उठाऊँगी, फिर नाश्ता बनाऊँगी और नाश्ते में अंडे आलू का सालन है वो खाएंगे और पराठे बनाऊँगी। बाकी चाय है फिर और करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, अता कर तो शादे करीमी का सदका, अता कर तो शादे रहीमी का सदका, तेरी को तुझी से दुआ मांगती हो, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हो, करम मांगती हो, अता मांगती हो, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी हो चुकी है और अब मैं ये बर्तन वॉश करूँगी। ये थोड़े से बर्तन हैं और माशाल्लाह सबने सहरी कर ली है। अंडे आलू का, अंडे का सालन था, अंडा ग्रेवी और पराठा, आलू नहीं डाले थे मैंने इसमें ना। और फिर आपको बाद में अपने दिन भर की रूटीन शेयर करती रहूँगी। ये मेरे बर्तन किचन के धुल चुके हैं और क्लियर कर दिया है मैंने अपना किचन और अब मैं वज़ू करूँगी, फिर 1 सिपारा और पढ़ूँगी। 3 पढ़ चुकी हूँ, चौथा भी इंशाल्लाह पढ़ लूँगी, ठीक है। और फ्रेंड्स हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है अब। और ये देखिए हम मेरे हस्बैंड ये नई चिक ला के लगाई है और माशाल्लाह अच्छी लग रही है। पुरानी वाली हमने धो के रख दी है, वो फिर कहीं यूज़ कर लेंगे और इससे थोड़ी सी बचत हो जाती है, डस्ट कम आती है। डली रहे तो ये इधर लगाई है, तो उस साइड पे लगाई है और ये तो उस साइड पे लगाई है। अच्छी लग रही है और यही 2 चिक जो आई है 3500 की आई है तो। और सही आज बाहर का व्यू ये है कराची का, धूप है लेकिन हवा भी चल रही है। और मेरे घर के काम हो चुके हैं, घर के झाड़ू पोछा डस्टिंग ये सब हो चुका है और अब
अभी फ़िलहाल मेरा कोई काम नहीं है। फिर आप लोगों को मैं अपने पूरे दिन की जो व्लॉग, पूरे दिन के जो रूटीन है वो आपसे शेयर करती रहूँगी, ठीक है। ये मैं फ्रूट चाट बनाऊँगी अभी इसकी, और ये मैंने चने की दाल बॉईल करने रखी है, इसको फ्राई करूँगी, और आज छोले नहीं, आज चने की दाल फ्राई करूँगी। और ये तो मलंगा का शरबत बनाऊँगी ग्रीन वाला, और तरबूज का शरबत बनाऊँगी आज। ये देखें फ्रेंड्स, हमारी इफ्तार कंप्लीट हो चुकी है माशाल्लाह से। आज हमने चने की दाल बनाई है, फ्राई करी है, फ्रूट चाट, और पकोड़े तो रोज़ के हैं होते हैं, और आज हमने ये तरबूज का शरबत बनाया है, और ये ग्रीन शरबत जो बनाते हैं इसमें तो मलंगा डाला है, और मीठे दही बड़े। और फ्रेंड्स, आप लोग को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएं कि मेरी वीडियोस कैसी बन रही हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए वीडियोस बना रही हूँ मैं, और पसंद करना आप, अब आपके ऊपर है कि आप लोग को पसंद आती कि नहीं आती मेरी वीडियोस, वरना मैं तो मेहनत कर रही हूँ। और अपना ख्याल, आज 21वां रोज़ा हो गया है और 21वीं इफ्तार है ये माशाल्लाह से, और सब एतिकाफ में भी बैठ गए हैं लोग, जो भी जिनको बैठना था, बस तेज़ी से गुजर रहे हैं ये रोज़े, थोड़े से रोज़े रह गए हैं, और हम सजाते रहे हैं शुरू से अभी तक के, सजा रहे हैं अपनी इफ्तारियाँ सहरियाँ। अच्छा, आप लोग प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़। और का टाइम भी हो रहा है, अल्लाह हाफिज़।